अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। इन दोनों अनुच्छेद का देश के खिलाफ कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इसकी वजह से पिछले तीन दशक में लगभग 42,000 निर्दोष लोग, 42,000, यह आंकड़ा किसी की भी आंख में से आंसू ला देता है। 42,000 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विकास उस गति से नहीं हो पाया जिसका वो हकदार था। अब व्यवस्था की कमी दूर होने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का वर्तमान तो सुधरेगा ही, उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा।